हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। तो आज की पहली न्यूज़ है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो अभी ये स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आशीष चंचलानी का जो नया वीडियो आया है सस्ता बिग बॉस, उस वीडियो को प्रमोट किया जा रहा है गूगल एडवर्ड से। ये स्क्रीनशॉट एडिट भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऑल्सो ट्विटर में भी हैशटैग आशीष चंचलानी पेड व्यूज़ ट्रेंड कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी ने ट्वीट किया और लिखे, इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों को चतुर रामलिंगम बनने का बड़ा शौक है, दूसरों को नीचे लाके इनको लगता है इनके काम मस्त हो जाएंगे। इन इमेच्योर चोमू लोगों को लगता है टॉम मरने के लिए कॉम्पिटिशन का खराब करना होता है। और एक ट्वीट किया और लिखे, पैसा देके फेक न्यूज़ फैलाने से पब्लिक के सामने ना तो मैं नीचा होने वाला हूँ और ना तू मुझे नीचा कर सकती है। अपने को पब्लिक ने बनाया है, जितना पैसा लगाना है लगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हैशटैग ऑर्गेनिक। और भी कुछ ट्वीट किए, ये आप लोग देख सकते हो, चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर आशीष चंचलानी उनका चैनल ओपन करके दिखाया कहाँ कहाँ से व्यूज आया, तो आप लोग भी देखिए। हेलो गाइज, हमारे कुछ स्क्रीनशॉट फैल रहे हैं तो मैं सोचा कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ये है मेरा ऑफिशियल चैनल आशीष चंचलानी वाइंस, ऑफिशियल चैनल है मेरा, ठीक है सर। एंड ये है ट्रैफिक सोर्स, मतलब कहाँ कहाँ से व्यूज आए मुझे, ऑर्गेनिक व्यूज। तो मैं कुछ देख रहा हूँ, एक टैग है YouTube एडवर्टाइजिंग, लेट्स सी मैंने कितने व्यूज खरीदे हैं। 0.0%। मैं तो मिनिमम 100% एक्सपेक्ट कर रहा था ना यार, पेड है ऐसे कैसे यार। स्क्रीनशॉट जो ट्विटर पे किसी ने स्क्रीनशॉट डाला है, ट्रू ही हो। कुछ देर बाद हेटर्स को रिप्लाई देते हुए ये वीडियो अपलोड किए। हेलो गाइस, आई वांट टू थैंक समवन, आई वांट टू थैंक दिस वन स्पेशल पर्सन हु केम इनटू माय लाइफ एंड मेरी जिंदगी की आखिरी विश पूरी कर दी। मैं साल यूट्यूब पे ट्रेंड किया, मैं ट्विटर पे ट्रेंड किया, लेकिन मेरा नाम ट्रेंड नहीं हुआ था ट्विटर पे। इस बार पहली बार आशीष चंचलानी पेड व्यूज के नाम से ट्विटर पे एक टैग ट्रेंड कर रहा है। आई वांट टू थैंक दिस गाय सो मच कि उसने इतने पैसे खर्च किए, फेक बॉट्स लगाए, फेक न्यूज फैलाई, बिकॉज ये मेरा सपना था कि मेरा नाम ट्विटर के ट्रेंड पे आए। एंड आई वांट टू थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। आई मीन लाइफ इज सो ब्यूटिफुल मैन। आई मीन पहले हम लोग रिकॉर्ड तोड़े, फिर हमने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए, किसी की गांड इतनी जल गई कि उसने पैसे दे के मेरा नाम ट्रेंड करवाया, एंड आई एम सो फकिंग हैप्पी। थैंक यू सो मच ब्रो, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। आशीष चंचलानी को सपोर्ट करते हुए फ्लाइंग बिस्ट ने ट्वीट किए और लिखे, पब्लिक सब जानती है कौन ऑर्गेनिक और कौन नहीं, हैशटैग स्टैंड विद चंचलानी। इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं नेक्स्ट न्यूज में बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज है हर्ष बेनियाल की तरफ से। तो हर्ष बेनियाल कल उनके इंस्टाग्राम पे एक टूरिस्ट पोस्ट किया और लिखे, इट्स टाइम टू फ्राई अगेन, हैशटैग रोस्ट नहीं फ्राई करूंगा, हैशटैग सब बदलेगा। ये इंस्टाग्राम टूरिस्ट पोस्ट करने के बाद बहुत सारा लोग सोचा था कि फिर से टिकटॉक के ऊपर रोस्ट करने वाला है। फिर हर्ष बेनियाल और एक इंस्टाग्राम टूरिस्ट पोस्ट किया और लिखे, नहीं यार टिकटॉक नहीं है। इस बार हर्ष बेनियाल का नया वीडियो बॉलीवुड स्टार किड के ऊपर होने वाला है और नया वीडियो आज शाम 7 बजे आने वाला है। उसी के बारे में बताते हुए हर्ष बेनियाल ने कुछ इंस्टाग्राम टूरिस्ट पोस्ट किए, तो आप लोग भी देखिए हर्ष बेनियाल ने क्या बोला। हे गाइस, कल शाम को 22 दिसंबर को मेरी नई वीडियो आ रही है डे विद स्टार किड, तो देखना, मजे लेना, बहुत मजेदार वीडियो है एंड बहुत फनी वीडियो है। और मैं कोई प्ले नहीं कर रहा हूँ, लोग गेस कर रहे हैं मैं ये सेलिब्रिटी प्ले कर रहा हूँ या मैं वो सेलिब्रिटी प्ले कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट प्लेइंग एनी सेलिब्रिटी, मैं खुद में एक हमने रैंडम बंदा दिखाया जिसका नाम ही रैंडम कपूर है, तो वो कपूर से भी कोई लेना देना नहीं है, बस उसका नाम ही है वो है, तो इट्स जस्ट दैट। तो मैं इसके अंदर सबका मिक्सचर हूँ, ठीक है, मैं किसी कोई पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा और मैं नहीं करना चाहता। सो इट्स जस्ट दैट कि मैं सिर्फ आप कल वीडियो देखना, बस मैं ये क्लैरिफाई कर रहा था, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, तो किसी को नाम वाम लेना बंद करो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया उसमें कि मैं वो प्ले कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्लेइंग अ रैंडम जो कि एक इमेजिनरी स्टार किड है, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बस नेक्स्ट न्यूज है ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। तो ट्रिगर्ड इंसान और उनके मम्मी पापा एबीपी न्यूज पे आए हैं, उसी के ऊपर उन लोगों का रिएक्शन क्या है आप लोग भी देखिए। 3 दिन से बैठे हुए आप, रोज 2:30 बजे टीवी लगा के बैठ जाती है मम्मी, आज तो आ जाएगी न्यूज, शायद आज आ जाए तो रोज ही हमारा लॉल बना दे। तो फिर मम्मी आपको कैसा लगेगा, आप अपने आप को टीवी पे रोते हुए देखोगे तो। हाँ मम्मी रो दी थी पता है तुम्हें, और अभी खुद को रोते हुए देख के फिर से रोओगे क्या? स्टार्ट हो गई। मैं वो यूट्यूबर हूँ जो अपने खुद के
दैट्स ट्रू आंटी टीवी पे आ गए कुछ कहना चाहते हो लो मुझे नहीं थी उम्मीद उससे पर सही पापा आप भी आ गए टीवी पे ये तो अभी बहुत सारा यूट्यूबर न्यूज पे आ रहा है तो धीरे धीरे न्यूज चैनल भी यूट्यूबर का पार को समझ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है बदमाश आइकन की तरफ से। तो बदमाश आइकन ने कल उनके IGTV में एक वीडियो अपलोड किए हैं और उस वीडियो में बदमाश आइकन कंगना रनौत के बारे में बात किए हैं। उसी के बारे में बताते हुए बदमाश आइकन ने कल ये इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किए थे। गाइस कुछ वक्त में IGTV पर मैं वीडियो डालूंगा। इस कंगना रनौत की सारी पोल खोल दिया मैंने उसमें, जरूर देखना। जय हिंद। अगर बदमाश आइकन का वो वाला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है थागेश के तरफ से। तो थागेश का नया सॉन्ग आ गया है, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए आमिर सिद्दीकी ने ये इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किए। अपने प्यारे भाई महेश AKA थागेश का नया गाना आया हुआ है, गाना बहुत ही प्यारा है, तो स्वाइप अप करो, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। गाना बहुत ही प्यारा है तो जल्दी जल्दी जाओ और देखो राइट नाउ। सॉन्ग का बात चल रहा है तो मैं बता दूं हाफ इंजीनियर का नया सॉन्ग आज आने वाला है। सुबह 11 बजे हाफ इंजीनियर का नया सॉन्ग आएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। सोशल मीडिया रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।